गुड मॉर्निंग क्लास टू, मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ क्लास टू का चैप्टर नंबर सिक्स का ये वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले चार पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले चार पार्टों में हम लोग धीरे धीरे इन सभी चैप्टरों में जो हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स, इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल्स पढ़ चुके हैं एमएस पेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। ठीक है, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल क्या होता है? फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट एरिया ऑफ एनी शेप, मतलब किसी भी तरह का शेप हमारा फिगर बना होगा, किसी भी तरह के शेप का फिगर बना होगा, उस तरह के शेप को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल का यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर टूल का यूज किए थे, ठीक है, या फिर उसको हम लोग सेलेक्ट टूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसका हम लोग यूज किए थे, क्यों? रेक्टेंगुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल जो होता है हमारा, वो किसी भी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब टू यूज दिस टूल, आपको इस टूल को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ एनी शेप, किसी तरह का शेप बनाना पड़ेगा, जो अपने ड्रॉइंग एरिया में कलर वगैरह सारा फिल कर लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बिलो द सेलेक्ट, आपके सेलेक्ट टूल के नीचे जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके नीचे एक बॉक्स है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल के आएगा, वहाँ से आपको फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट द फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, यू विल नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंज टू द डबल एज क्रॉस, आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर जो डबल एज क्रॉस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, आप अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द एरिया यू वांट टू कॉपी, उस एरिया पे आपको माउस को ड्रैग करना है क्लिक करके, जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं या फिर कट करना चाहते हैं। ठीक है, यू विल गेट ए डॉटेड लाइन, आपके पास एक डॉटेड लाइन आता है फॉर द पाथ वेयर यू हैव ड्रैग द माउस, उस जगह पे जहाँ पे आपने माउस को ड्रैग किया है। ठीक है, द माउस पॉइंटर नाउ चेंज टू द क्रॉस विद ओवर इट, अब माउस पॉइंटर आपका चेंज हो चुका है ओवर हेड्स की तरह, सॉरी ओवर हेड बोल रहे हैं, एरो हेड्स की तरह। ठीक है, आपने देखा होगा एरो हेड्स किसको बोलते हैं, चारों तरफ उसके एरो के निशान होते हैं, उसको हम लोग एरो हेड्स बोलते हैं। आपका माउस पॉइंटर एरो हेड्स की तरह चेंज हो जाएगा, फिर आप यू कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट इन द सेम वे एज डन इन रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल। आप जैसे कि रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल में आप कट, कॉपी, पेस्ट किए थे, उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। आइए हम लोग जरा करके देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास ये, हम लोग एमएस पेंट पे चले गए और हम लोग को जाना है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल में। तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट, आप देख रहे होंगे इसके नीचे में एक ड्रॉप डाउन बटन है या ब्लैक कलर का, आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे छोटा सा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फ्री फ्रॉम सेलेक्शन, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब हमको अब हमारा माउस पॉइंटर देखिए किस तरह का हो गया, दिख रहा होगा ना। अब इसको हम लोगों को जहाँ पर काटना है उसके ऊपर क्लिक करके ड्रॉ करना चाहिए, मान लेते हैं क्लिक करके हमको इतना एरिया ही काटना है। ठीक है, अब आपका देखिए एरो हेड बन गया। अब इसको मान लेते हैं कि हम लोग कट कर लेते हैं, तो देखिए कितना दूर कट हो गया, कट हो गया ना। अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दिए, फिर चाहे इसमें से कट करने का, इसमें से भी हम लोग कट कर सकते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग सेलेक्ट टूल का यूज़ कर रहे हैं, मुझे आपको अभी हम लोग सेलेक्ट टूल का यूज़ कर रहे थे। अगेन हम लोग यहाँ से फ्री फ्रॉम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं, जो भी एरिया हम लोग कट करना चाहेंगे उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ से कट कर लिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, फिर देखिए ये भी कट हो गया। इस तरह से हम लोग फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेजिंग द होल ड्राइंग, हम लोग पूरे ड्राइंग को इरेज करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अगर हमें ड्राइंग बना तो लिए हम लोग, लेकिन अब उसको हटाना है, इरेज करना है। ठीक है, इरेजिंग द होल ड्राइंग इन एमएस पेंट इज एन ईजी टास्क, काफ़ी ईजी टास्क होता है। फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट योर ड्राइंग कम्प्लीटली, आपको कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने हैं, जिसके हेल्प से आप अपने ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं। बाबू तो फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल का जो हमारे पास तीन चार पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इरेजिंग का ये तीन पॉइंट लिखना मैंडेटरी होगा। आपको कैसे इरेज करते हैं इसका क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, हाउ टू इरेज अ ड्राइंग। ठीक है, हाउ टू इरेज होल ड्राइंग, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और उसके आंसर में आप ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है,
आप कैसे, पहला क्या ऑप्शन है, ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप, आपको इमेज ग्रुप में होम टैब के अंदर में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बिलो द सेलेक्ट टूल, आपको सेलेक्ट टूल के अंदर नीचे में जो ड्रॉप डाउन एरो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल, आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है एंड द मेन्यू डेट अपीयर्स एट द एट एंड देन क्लिक डिलीट ऑप्शन। अब जब आपके पास मेन्यू आएगा उस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे डिलीट ऑप्शन का आता है, उस पर हम लोग डिलीट जैसे ही डिलीट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारा डिलीट हो जाएगा, कंप्लीट ड्राइंग विल गेट इरेज, टोटल का टोटल ड्राइंग आपका इरेज हो चुका होगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार करके इसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे वाला कमांड हम लोगों को जाना जरूरी है, लेकिन क्योंकि डिलीट कर देंगे तो फिर नीचे वाला कमांड बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंडू एंड रीडू कमांड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अंडू और रीडू से पहले हम लोग नोट्स में शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की तो सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रेस कंट्रोल ए, कंट्रोल ए दबाएंगे हम लोग क्या करेंगे, टोटल चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अंडू एंड रीडू कमांड के बारे में हम लोग जानते हैं। अंडू और रीडू कमांड जो हमारा है ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, अंडू एंड रीडू कमांड आर अवेलेबल इन द क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर में अवेलेबल होता है। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ रहता है, हमारे टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ध्यान होगा टाइटल बार क्या होता है, मैंने बताया था। अब अंडू कमांड यूज क्या होता है, अंडू कमांड इज यूज टू इरेज और अंडू द लास्ट एक्सेस, अंडू कमांड इरेज करने के लिए और लास्ट ऑप्शन जो हमारा था, लास्ट जो भी हम लोग काम किए थे उसको क्या करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, ठीक है। लास्ट मान लिया हम लोग कुछ किए थे वो गलत हो गया, फिर हम लोग कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाएंगे, हम लोग सिर्फ पीछे की तरफ चले जाएंगे सीधे, ठीक है। इट रिमूव्स द लास्ट चेंजेस यू मेड टू योर ड्राइंग, ये रिमूव करता है लास्ट चेंजिंग को जो आप लोग ड्रॉ किए हुए, ठीक है। टू यूज अंडू ऑप्शन जस्ट क्लिक ऑन इट्स आइकन ऑन द क्विक एक्सेस बार, आप अंडू को यूज करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में जो इसका आइकन होता है, जो इस तरह का आइकन होता है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस जेड, ये इसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है। अब आते हैं रीडू में, रीडू जो हमारा है जस्ट अपोजिट है अंडू कमांड्स का, अंडू कमांड्स का जो काम है कि लास्ट चेंजेस को क्या करना, इरेज करना। इसका काम क्या है कि आप जो लास्ट चेंजेस किए थे जस्ट उसके ऊपर ले जाना, यानी कि रिपीट करना, जो भी चीज़ हम लोग किए थे उसको जस्ट रिपीट कर देना। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में जस्ट उसका अपोजिट जो साइन होता है वो साइन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग अंडू कमांड के लिए एंटी क्लॉक वाइज साइन का यूज करेंगे, यानी कि घड़ी के सुई के उल्टी दिशा की ओर जो एरो होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, और रीडू कमांड को यूज करने के लिए हम लोग घड़ी का सुई जिस दिशा में घूमता है उस दिशा वाले एरो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई जैसे ही हम लोग दबाएंगे हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब आपका ये रिकैप है, पूरे चैप्टर में हम लोग जो चार या पाँच वीडियो देखे हैं इसका पूरा का पूरा एक समरी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप सभी वीडियो देखने के बाद एक बार रिकैप को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। रिकैप को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले अभी इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग डिलीट के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने नहीं बताया था इसका प्रैक्टिकल, अब हम लोग डिलीट का प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एमएस पेंट के स्क्रीन पर, हमें जाना है सेलेक्ट वाले बटन पर। सेलेक्ट वाले बटन पर आपको सबसे पहले किसी एक फिगर को सेलेक्ट कर लेना है, पहले सेलेक्ट वाले पर जाना है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, यहाँ लास्ट में डिलीट का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट ऑल वाले पर सबसे पहले क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से जाएंगे वहाँ पे और फिर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर देखिए डिलीट जैसे ही दबाएंगे सारा फिगर डिलीट हो जाएगा, देखिए सारा का सारा फिगर हमारा यहाँ से हट गया ना। इस तरह से हम लोग डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं और हमारा चैप्टर आज का यहीं पर समाप्त होता है। हम इसको अब बंद करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे पूरी तरह से समाप्त हो गया, जो भी हमारे चैप्टर में बुक के अंदर में था। अब सिर्फ बचता है हमारे पास क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े हैं और आपका जो रिकैप है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे कम से कम एक बार रिकैप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। रिकैप पढ़ लेने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आंसर बना पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे, ओके। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ, थैंक यू।